gonna blend it with our beauty blender. मुंह में चला गया मेरे, एक दूसरे के ऊपर चिपक जाता है ना, ये वाला सीन हो गया है तो बड़ा अजीब सा। होप के हो जाए, वरना मेरी लास्ट टाइम भी इतनी बेइज्जती हुई थी। प्राइमर लगाना मैं भूल गई, मैं तो वीडियो बनाई और वो डिलीट हो गई। मतलब यू देखिए, मुझे लग रहा था यार क्या प्रोसीजर है। मतलब ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा, आई थिंक मैंने शर्ट उल्टी पहनी है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच फॉर मिसिंग मी। आई एम सो सॉरी, मुझे पता है मैं बहुत लेट वीडियोस अपलोड करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोशिश पूरी करती हूँ कि कर सकूँ। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैंने वीडियो बनाई और वो डिलीट हो गई। मतलब वॉइस इज बिहेवियर। खैर, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इट्स नॉट अ ट्यूटोरियल बल्कि एक हैक है जिसको मैं फॉलो करने वाली हूँ। आप लोगों को पता होगा मैंने लास्ट टाइम वायरल ब्लश चैलेंज किया था और उसमें मैं फेल हो गई थी। आई डोंट नो मेरे ऊपर हैक्स इतने फेल क्यों हो जाते हैं, लेकिन ये वाला मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और कोशिश करूँगी कि ये सही तरीके से हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस पर सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन जो मैंने वीडियो देखी है, मुझे लग रहा था यार क्या प्रोसीजर है। मतलब अब मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। स्टार्ट करती हूँ। इफ यू वेयर मेकअप वॉच, चेंज योर होल रूटीन एंड ट्राई दिस इंस्टेड। मॉइस्चराइज फर्स्ट, देन आफ्टर मॉइस्चराइजिंग टेक सम ट्रांसलूसेंट पाउडर। आई यूजुअली यूज द फिट मी वन एंड आई जस्ट लाइटली डैब इट ऑल ओवर माय फेस, नॉट टू मच। देन टेक सम सेटिंग स्प्रे, कुड बी एनी सेटिंग स्प्रे, आई यूजुअली यूज द NYX वन। आफ्टर द सेटिंग स्प्रे टेक अ प्राइमर एंड जस्ट पुट योर प्राइमर, ऑल्सो वेट फॉर द सेटिंग स्प्रे टू ड्राई फर्स्ट। Then just put on your foundation and just see what happens and how amazing your makeup is gonna look, and it's gonna stay on 24/7 and it's not gonna creep. So here's this video, और इसके ऊपर एक हैक है कि भाई पहले आपने मॉइस्चराइजिंग करनी है, उसके बाद आपने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा। आई थिंक मैंने शर्ट उल्टी पहनी हुई है, एक मिनट। ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है, मैं करती हूँ और ट्राई करती हूँ और देखते हैं कि कैसा होता है या नहीं होता। सबसे पहले तो वो कहती है अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लें, तो मॉइस्चराइजर टूट गया। सो आई एम गोना यूज 24 कैरेट रोज गोल्ड सीरम। एक बॉटल मैं तोड़ चुकी हूँ, ये दूसरी बॉटल है, और थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ मैं। आई जस्ट होप कि हो जाए, वरना मेरी लास्ट टाइम भी इतनी बेइज्जती हुई थी, सबने कहा था आपने गलत तरीके से किया है। मैं मॉइस्चराइज़र के बजाय 24 कैरेट रोज़ गोल्ड सीरम इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इससे एक नेचुरल सी ग्लो भी आ जाती है, और ये ऑर्गेनिक है, केमिकल बेस्ड नहीं है। दिस इज़ माई ओन ब्रांड सॉन्ड्रे होनैना, लिंक सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। और ये देखें, ये एक नया मेहमान आया है। अच्छा जी, मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया। अब वो कह रही है कि भाई आपने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना है, लेकिन क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर नहीं लगाती, मैं कोशिश करती हूँ मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊं, क्योंकि जिनकी ड्राई स्किन होती है वो ट्रांसलूसेंट पाउडर ना लगाएं, वो सिर्फ कॉम्पैक्ट ही लगाएं। तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्किन क्रीस आउट कर देगी, तो मैं जो हूँ कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। सो है तो बड़ा अजीब सा, लेकिन चलें करके देखते हैं। सर्दियाँ आ जाएं, बस बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी सर्दियों में। अभी मुझसे वीडियो बनती ही नहीं है, इतनी गर्मी हो रही होती है, ऊपर से पंखा बंद करके वीडियो बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मेरा तो सारा मॉइस्चराइज़र सूख गया, यहाँ पे भी लगा देती हूँ मैं। ज़्यादातर ना नेक के ऊपर कोशिश करती हूँ ना ही करूँ, क्योंकि मुझे ना एलर्जी हो जाती है, मतलब मैं कोई प्रोडक्ट नेक पे यूज़ नहीं कर सकती। कॉम्पैक्ट कर लिया, अब वो कहती है सेटिंग स्प्रे लगा लो। सेटिंग स्प्रे लगाती हूँ मैं, कौन सा पड़ा हुआ है सामने, हाँ ये रहा ना मैट फिनिश मिनी सेटिंग स्प्रेज। मुंह में चला गया मेरे, बहुत ज़्यादा लगा लिया मैंने। इन द वीडियो के ये मेक ये जो फाउंडेशन है ये 24/7 रहेगी, मतलब 24 आवर्स तक रहेगी, और देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अच्छा, सूख जाएगी, उसके बाद क्या करना है दोबारा ज़रा वीडियो में देख लेते हैं।
अब वो कह रही है फाउंडेशन लगा लें। फाउंडेशन जो है मैं लगा रही हूँ नाजो कॉस्मेटिक्स की परफेक्टिंग कवरेज फाउंडेशन, इसको मैं तीन दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ और ये फाउंडेशन मेरी फेवरेट हो चुकी है। तो मैंने कहा इसको इसके ऊपर ट्राई आउट करके देखते हैं। मेरा शेड है फेयर और इस फाउंडेशन की अच्छी बात यह है कि जो आपकी स्किन के मतलब कि स्किन टोन के हिसाब से ना ये बैलेंस हो जाती है। सो आई रियली लाइक इट और इसकी कवरेज बिल्डेबल है, मतलब अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे और वो आपके पूरे फेस के ऊपर आ जाएगी। अगर आपने थोड़ी हैवी कवरेज चाहिए तो आप ज़्यादा ले लें और उसको आप अच्छे से ब्लेंड करके ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लें। केक ही नहीं लगती लेकिन कवरेज बहुत अच्छी है। सो मैं ये फाउंडेशन ट्राई आउट कर रही हूँ और इसको हल्का सा लगाऊंगी। इसको आई थिंक सेटिंग स्प्रे को सूखने देती हूँ मैं थोड़ा। ये जो स्किन है ना मुझे मतलब ऑलरेडी स्मूथ लग रही है। लेट्स सी अब फाउंडेशन लगाते हैं थोड़ी सी। आई थिंक दिस विल बी ओके। सही है। अब मैं जो हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से लगा रही हूँ। ये देखें अच्छी तरह से ये फाउंडेशन हर जगह लग जाती है। आई फील लाइक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। लेट्स सी अगर इसके ऊपर भी ट्रांसल्यूसेंट पाउडर की ज़रूरत ना पड़ी, सॉरी कॉम्पैक्ट की, तो अच्छी बात। आई थिंक प्राइमर लगाना मैं भूल गई। व्हाट द हेल। खैर प्राइमर तो पोर्स के लिए होता है। लुक्स गुड। मतलब ऐसा कोई ख़ास मुझे लग नहीं रहा कि अगर मगर मैं ऐसा करती मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा क्रीज आउट कर जाएगी, लेकिन नहीं है, अच्छे से हो गई है। फाउंडेशन भी अच्छे से ब्लेंड आउट हो गई है, बैठ गई है। तो जी यहाँ जो है वीडियो एंड हो जाती है और ये हमारी फाउंडेशन हो गई है। अब लेट्स सी कि ये मतलब थोड़े टाइम के बाद कैसी रहती है, मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। अभी मैं कंसीलर लगा रही हूँ और लैशेस लगा रही हूँ। लैशेस जो है मैं सौंदर्य नैना की लगा रही हूँ। आप लोगों को ये बताना था कि हमने जो है लैशेस स्टॉक अप कर ली हैं और न्यू स्टॉक आ चुका है। सो इफ़ यू गाइज़ वांट ऑर्डर सो यू कैन, डिस्क्रिप्शन में चीज़ें मौजूद हैं। और ये जो आज लगा रही हूँ वो है शेड आर्टिकल टूई। ये बहुत नेचुरल सा है और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सो इफ़ यू वांट ग्रैब एनी स्टाइल तो आप कर सकते हैं। एंड मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। हुनैना कोड है मेरा, नाजो कॉस्मेटिक्स पे भी मेरा कोड है, तो अगर आप वो कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैंने यूज़ टार्ट शेप टिप कंसीलर और इसका शेड है 22N। ये मुझे अभी भी मिला है थोड़े टाइम पहले, सो हैप्पी। और थोड़ा सा यहाँ लगा रही हूँ एंड गोना ब्लेंड इट विद आवर ब्यूटी ब्लेंडर। जस्ट बाय द वे गाइस, आज मैं जो हूँ बग़ैर शीशे के मेकअप कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं मेरा प्रो लेवल। सो या डन। अच्छा अब मैं जो उसके ऊपर कॉम्पैक्ट कुछ भी नहीं कर रही क्योंकि उसमें मेंशन नहीं था, तो बग़ैर कॉम्पैक्ट और बग़ैर सेटिंग स्प्रे के लेट्स सी इफ इट वर्क्स फॉर मी। अभी हम लगा रहे हैं सारी चीज़ें खिंचा। अभी हम लगा रहे हैं ब्लश और ब्लश जो है मैं ये मेरा बेचारा टूटा फूटा ब्लश है सामने रखा हुआ है वही लगा रही हूँ। आई एब्सोल्युटली लव दिस ब्लश। ओह माय गॉड ज़्यादा ही लग गया। यहाँ लगा लिया बहुत ज़्यादा लग गया। ये इसलिए ज़्यादा फील लग गया है क्योंकि मैंने फाउंडेशन के ऊपर डायरेक्ट लगा लिया, इसके ऊपर कोई कॉम्पैक्ट नहीं है, तो वो जो क्रीम और पाउडर एक दूसरे के ऊपर चिपक जाता है ना, तो ये वाला सीन हो गया है। खैर अब कुछ करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, इससे कम कर। यहाँ तो मैं फेल हो गई। आई थिंक करना होगा कॉम्पैक्ट, नहीं करना होगा शायद। अब जो है मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ एंड हाइलाइटर से फाइट का लगा लेते हैं। यहाँ लगा लेती हूँ दैट्स इट। मस्कारा मैं लॉरियल का एयर वॉल्यूम मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त मस्कारा है। आई हाईली 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 रिकमेंड दिस। मेरी इतनी कम लैशेस हैं और फिर भी जो है ना ये मेरी लैशेस को एकदम से बढ़ा देता है। और जी यहाँ मैंने लैशेस भी लगा ली हैं और लिपस्टिक भी लगा ली है। लैशेस बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत नेचुरल हैं। यू गाइस कैन सी। आई मेकअप भी मैंने नहीं किया बिल्कुल भी, सिर्फ लैशेस लगाई हैं और लिपस्टिक मैंने लगाई है नाजो कॉस्मेटिक्स की। ये दो शेड्स लगाए हैं, एक है फ्लॉन्ट एक है माइंडफुल। इसकी लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी।
सो या दिस इज़ आर लुक. और मैं थोड़े टाइम के बाद बताती हूँ कि भाई ये फाउंडेशन स्टे करी या नहीं करी. So this is it. Thank you so much everyone for watching. I hope you guys enjoyed it. Please let me know in the comment section below. Please don't forget to like, subscribe and share. And description box ज़रूर देख लिया करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें mention होती हैं. मुझे Instagram पर भी follow कर लें और दुआ करें मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना लूँ, कंसिस्टेंसी आ जाए मेरे अंदर. सो यार दुआओं में मुझे याद रखिएगा. मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ. अल्लाह हाफिज़. फाउंडेशन हैक मेरे लिए तो काम कर गया. 7 से 8 घंटे मैंने इसके बाद शूट किया है और बहुत अच्छी फाउंडेशन बैठी रही. थोड़ा सा टचअप की ज़रूरत थी लेकिन 24 आवर्स मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया. 7 से 8 घंटे आराम से निकल गए. सो मेरी तरफ से तो बिल्कुल अप्रूव्ड है.